इंटरनेट की वजह से आजकल लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, कभी कभार ख़तरनाक हद तक। हम अपने बच्चों को बाहर के तो खतरात से बचा लेते हैं, लेकिन ये फेक प्रोफाइल्स और आईडीज से कैसे बचाएं? शमा, कुछ 3 साल पहले जब आप 16 साल की थीं, आपकी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ किया दुश्मनी में, मुझे बताएं क्या हुआ था एग्जैक्टली? लॉन्ग बैक इन 2016 एक्चुअली हुआ यूँ था कि नॉर्मल इवनिंग, ठीक है, सो आई वाज जस्ट चिलिंग इन माय ड्राइंग रूम एंड आई गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो ऑब्वियसली लाइक अ रैंडम मैसेज कोई किसी भी लड़की को आता है, शी जस्ट इग्नोर्स इट, राइट? बट पहले तो हाय हेलो थी उसमें, आई इग्नोर फॉर सम टाइम। लेटर उसने मुझे कुछ स्क्रीन शॉट्स भेजे थे, ठीक है, स्क्रीन शॉट में नाम मेरा ही था, कहते तुम शमा वही हो ना जो इस सर्टन सोसाइटी में रहती है। मुझे फर्दर वो हुआ कि ऑब्वियसली इसको इतना कुछ कैसे पता है, आई डोंट इवन नो हिम। वो नाम मेरे लिए न्यू था, वो सब कुछ मेरे लिए न्यू था। एनीवेज आई आस्क्ड हिम कि आप मुझे ज़रा फर्दर डिटेल्स बताओ, ज़्यादा स्क्रीन शॉट्स हो तो मुझे भेजो। कहते अप नाउ यू हैव टू डू दैट वॉट यू हैव प्रॉमिस टू मी। मैंने कहा स्क्रीन शॉट भेजें आप। उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे तो उसमें कुछ अनअप्रोप्रिएट कन्वर्जेशन थी। ये सारी कन्वर्जेशन ऑब्वियसली आई गॉट लिटिल बिट लाइक कि ये तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आई कहाँ से? सो ऑब्वियसली आई रिप्लाई टू हिम, आई सेड सॉरी बट आई नो ये नाम मेरा है, पिक्चर मेरी है, प्रोफाइल पिक्चर मेरी है, बट दिस इज़ नॉट मी, ये कन्वर्जेशन मैंने नहीं की। उसने बोला था कि तुमने मुझे बोला था कि यू आर डीएक्टिवेटिंग दिस आईडी, तो इस आईडी पे स्विच करते हैं, अब बताओ मिलना कब है? और ये जो कन्वर्जेशन थी, ये आपको कुछ नहीं पता था कि कब हुई और किस अकाउंट से हुई? Exactly. लेकिन आपके नाम से हुई थी? मेरे नाम से ही हुई थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि उस मुझे आईडी, जो पर्टिकुलर आईडी है ना, उसका स्क्रीन शॉट भेजो। कहते तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो मेरे आगे? Why you're pretending as if तुमने कुछ किया ही नहीं है? अच्छा, वो भी बिलीव करने के लिए बंदा रेडी नहीं था। उस पर्टिकुलर आईडी में मेरी पिक्चर्स वही सारी जो मैंने अपने मेन अकाउंट पे लाइक डाली हुई थी, वो भी उसमें थी। मतलब सब कुछ ऐसे ही लग रहा था जैसे एक नॉर्मल पर्सन की आईडी, मेरा नाम है, बट मेरा नाम शमा न्याज है, उसमें शमा खान था, ठीक है, दैट्स व्हाट्स द डिफरेंस, दैट्स इट। तो खैर, उसने मुझे बोला कि यू हैव, जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है वो तुम्हें पूरा करना होगा। एनी वेज मैंने उसको ना ब्लॉक किया। मैंने कहा पता नहीं जिसली बैठ, ऑब्वियसली दैट वॉट अ नॉर्मल गर्ल वुड डू। फिर क्या हुआ कि उसके उसी शाम को लाइक नियरली 6 PM, ठीक है, वो हमारा वो आर होता है जहाँ पे लाइक हमारे जो अपार्टमेंट के गार्ड्स हैं ना, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको टी मतलब चाय वगैरह देते हैं, तो उनका चाय का आर था और मेरे घर पे कोई नहीं था, ठीक है। माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, वो अपनी नाइट ड्यूटीज पर थी, वन सिस्टर इज़ मैरिड एज वेल, एंड माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, माई मॉम वॉज नॉट एट होम, एंड माई फादर लिव्स इन सऊदीया। तो मैंने दरवाज़ा खोला, थॉट के शायद गार्ड आया होगा, मैं चाय लेकर बाहर गई। मैंने देखा इट वॉज समथिंग समबडी एल्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने कहा जी, कोई आदमी खड़ा था, लाइक अ गाय, ठीक है। हाँ. तो मैंने बोला जी, कहते हैं आप शमा है ना? मैंने कहा जी। कहते ज़रा गेट खोलना, आप है ना वो सामने जो आपके ऊपर एक्स वाई जी रहते हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ भिजवाया है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, मैंने स्लाइड सा खोला तो उसने पूरा खोल दिया। उसे कहा लेकिन तुम्हें आज रात के 3 बजे तुम आनी चाहिए हो। ये वही बंदा था, वही बंदा था जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे था, और मैं तो जानती भी नहीं, वो एक वियर्ड सी उसके मतलब उस लुक। मैंने कहा आई डोंट इवन नो हिम, क्योंकि आई वाज न्यू इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। मैंने कहा हु आर यू, पहले बताओ तो सही। कहते मैं वही हूँ। उसने अपना नाम बताया, आई वाज क्लियर कि ये वही है। मैंने कहा देखिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया था उस वक्त भी कि मैंने ये सारी कन्वर्जेशन नहीं की, ऑब्वियसली मेरी किसी ने आईडी फेक बनाई, उसने आपके साथ ये सारी कन्वर्जेशन की हैं। कहते आई डोंट केयर अबाउट इट, यू हैव टू डू जो तुमने उस पर उस आईडी में प्रॉमिस किया हुआ है। वो लड़की भी तुम हो, तुम्हारी कन्वर्जेशन से मुझे तुम्हारे वो क्या कहते हैं टाइपिंग स्टाइल से भी लग रहा है वो तुम ही हो। अब तुम बन रही हो, एंड टाइम पे तुम्हें शायद कोई और मिल गया है फॉर दैट पर्पस, तो इस वजह से तुम शायद मुझे कटा रहे हो। एंड इट्स लाइक 3 AM इन द नाइट, इफ़ तुम नहीं आई, मैं लिटरली तुम्हारे घर की घंटियाँ बजा बजा के तुम्हारी सारी स्क्रीन शॉट्स, तुम्हारे सारे मैसेजेस तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा कि आपकी बेटी करती क्या है। ब्लैकमेलिंग, ठीक है, ऑब्वियसली वो चला गया उस वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऑब्वियसली आई वाज टेंस्ड। अब उस वक्त ये है कि ऑब्वियसली आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, और मुझसे सारे मतलब सबसे मेरे एल्डर सिस्टर के साथ में जो मेरा एज डिफरेंस है नियरली 12 ईयर्स है, ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ एज डिफरेंस मीनिंग जनरेशन गैप हो जाता है। तो इतनी क्या कहते हैं वो रिलेशनशिप नहीं थी कि हम लोग कुछ एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हों, ठीक है ना। तो मुझे ज़रा डर था कि मैं किस तरह से शेयर करूँ, आई डिड नॉट नो मॉम कैसे रिएक्ट करेंगी इस बात पर। पता चला वो सारा डाल दे मुझ मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैंने इसे ये किया कि मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब रात के 2-3 बज गए, नियर 2-3, मैं सोचूँ मैं क्या करूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं बिल्डिंग का दरवाज़ा ही बंद कर दूँ, मेन जो बिल्डिंग का जो मेन गेट होता है, मैंने कहा वही बंद कर दूँ, अंदर ही नहीं आएगा,
सिंपल सी बात है. और आप सिर्फ 16 इयर्स ओल्ड थी, आई मीन आपका जो दिमाग था वो उसी हिसाब से जो है सोच रहा होगा ना कि मैं कैसे स्टॉप कर सकती हूँ ये वाली. एंड ऑब्वियसली ये कोई चीज हर रोज तो होती नहीं है किसी के साथ, ऑब्वियसली वो उसमें मैं नम हो गई थी. तो हमारे पास होती नहीं है, फिर ठीक क्या है. एनीवेज तो मैंने सोचा रात के मतलब 2:30 जब हो गए तो मैंने सोचा कि अब मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ. अब हमारी जो स्टेयर्स होती है ना, स्टेयर्स पहले से तो विजिबल होते हैं, बाद में जब इस तरफ होते हैं पूरा डार्क एरिया है, ठीक है ना, और हमारी लाइट्स भी डिम थी. तो मैं जब वहाँ पे उस तरफ दरवाज़ा बंद करके जब घर की तरफ जा ही रही थी, आई सॉ हिम कमिंग फ्रॉम द स्टेयर्स. वो अंदर घुस चुका था, वो ऑलरेडी वहीं पर था. कहता तुम्हें क्या लगता है कि यू माइट बी 16, आई एम 24. तुम्हारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है ना, वहाँ पर मेरी शुरू हो जाती है. And that tall guy in front of me, standing बिल्कुल एक tough सी personality, मेरे आगे बिल्कुल tall सा आदमी खड़ा हुआ है. I don't know what to do. I was numb totally. मैं बिल्कुल उस random अपने जो हुलिये में बंदा होता है घर में, बिल्कुल मैं उस वक्त numb खड़ी हुई थी कि क्या करूँ, आगे पीछे कुछ समझ भी ना आए. तो मैंने क्या किया, मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, एक लड़की शायद भाग जाएगी उस वक्त, तो मैं ऑब्वियसली भागने के लिए, बट ऑब्वियसली वो सो ऑब्वियसली टफ एंड इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, उसने मुझे अपनी मेरी क्या कहते हैं स्लीव से खींच लिया. तो देर वॉज दिस थिंग, मेरी स्लीव यहाँ से टेयर ऑफ हो गई थी. ही ट्राइड टू डू जो उसको करना था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ कर नहीं पाया, ठीक है ना. अब भाग के घर में चली गई, ऑब्वियसली मैं घर पे चली गई. उससे पहले कि वो घंटी बजे, मैंने घंटी डीएक्टिवेट उसी वक्त कर दी, पहले से कर दी थी. उसके बाद क्या हुआ कि अनदर डे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिम, ठीक है ना, कि तुम्हें आज वापस आना होगा, यू हैव टू डू दैट थिंग जो तुमने प्रॉमिस की है, नो मैटर वो तुम मेरी गाड़ी में हो या यहाँ पे कहीं पे जो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रीट है, कुछ भी हो, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. जैसे ब्लैकमेलिंग चली रही थी, इसमें क्या हुआ कि वन डे मेरे उस वक्त स्कूल में ऑब्वियसली मिड टर्म्स चल रहे थे, मैं एग्जाम देने गई थी, ठीक है ना, सो इट वॉज अ नॉर्मल डे फॉर मी, ठीक है ना. बट ऑब्वियसली घर में मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि आई वॉज ऑब्वियसली हेजिटेटिंग टू शेयर इट विद माई मॉम, ठीक है, और आज तक ऐसी कोई कन्वर्जेशन मॉम से हुई भी नहीं है, ठीक है. तो रिजर्व सी रिलेशनशिप थी हमेशा से, तो मैं आई तो मॉम जस्ट आस्क मी के आई शी वॉज लुकिंग एट मी अ वियर्ड मैनर. मैंने कहा क्या हुआ, वैसे क्यों देख रहे हैं आप. कहते क्या हुआ था उस रात को. मैंने कहा रात को तुम किसी से मिल रही थी, रात को, रात के 3 बजे. आई वॉज श्योर कि मम्मा को पता चल गया, बट आई डिड नॉट नो कैसे पता चला है. तो शी जस्ट स्लैप्ड मी ऑन माई फेस एंड शी वॉज लाइक आई नो एवरीथिंग. मैंने कहा मम्मा अब आप बात सुने. उस वक्त आई वॉज डेड इन टीयर्स. उस वक्त मैंने कहा मम्मी आप मेरी पहले बात सुने. आई टोल्ड हर एवरीथिंग. कहते हैं वो जो हमारे जो ऊपर हमारे जो नेबर हैं, वो एक्चुअली उन वो उस हमारी बिल्डिंग को सुपरवाइज करते हैं, तो सारे सीसीटीवी कैमराज एंड एवरीथिंग वो उनके पास होते हैं. तो उन्होंने उस सीसीटीवी में देख लिया था, तो उन्होंने आके अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था मेरी एब्सेंस में कि इस तरह से हुआ है, एंड मतलब आप देख लें कि क्या हो रहा है. तो अम्मी ने बोला मैं ये तब तक नहीं मानूंगी जब तक ये मैंने सीसीटीवी में नहीं देखा है. मैंने कहा जाके आप देख लें, ठीक है ना, इट विल बी क्लियर कि क्या हुआ है. एनीवेज फिर हम लोग अम्मी शाम को गई, उन्होंने सीसीटीवी देखा, समवॉट शी वॉज क्लियर, क्योंकि वो साफ दिख रहा है, वहाँ से मेरी स्लीव फट रही है, मैं किस उस सिचुएशन में हूँ, किस तरह से मेरे एक्सप्रेशन सब क्लियर है. तो खैर उन्होंने एट द एंड मॉम समवॉट, बट एक होती है ना मदर की नेचर की शी वॉज नॉट एबल टू बिलीव कैसा कुछ हुआ है, मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा हो भी सकता है. सो आई जस्ट मैं उस वक्त बिल्कुल नम थी, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग. वो अंकल भी मुझसे पूछ रहे थे कि ये सब क्या हुआ, तुम मुझे बताओ इफ देयर समथिंग यू नीड टू शेयर. मैं नहीं बता पाई उस वक्त, क्योंकि आई वॉज अनएबल टू, ऑब्वियसली मैं अपनी मॉम को नहीं बता पा रही तो उनको कैसे बताऊंगी. एनीवेज इन्वेस्टिगेशन से एनी हाउ क्लियर हो गया था कि वो मैसेजेस मुझे उसी ने की किस तरह से हुए, सब कुछ हुआ, ठीक है ना. तो फिर मुझे जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला जो फेक आईडी से किए गए थे वो तो सारे उसी एरिया के किसी और घर से हो रहे, आईपी एड्रेस और सब कुछ पता चल जाता है कहाँ से हो रहे. और वो उस घर में आपकी फ्रेंड रहती थी. जी. फिर एनीवेज मुझसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि आपको कुछ फर्दर करना है इसके ऊपर. मैंने कहा आई एम डेड राइट नाउ, मैं ये केस करना उस पर फिर ये सारे मैटर्स में मैं जाना ही नहीं चाहती. आई जस्ट वॉन्ट के अभी मुझे जस्ट एक मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, एक पीस चाहिए. मैं अभी ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी कि ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. I cannot do this anymore. And you were just 16 years old. आप वैसे भी at that point you just need कि कोई आपको आपकी counselling करे, कोई आपको support करे. ये वाले decisions तो adults ले सकते हैं ना. And when they asked my mom, there she was also like, I don't know anything what to do about it, because she was also clueless, answerless about everything. अब वो एक depression वाला phase आया, क्योंकि अब ये बिल्कुल ऐसा था कि घर में silence सा हो गया था. I was not talking to anyone. No one was talking to me. अगर कोई बात करने भी आता था, I just used to get mad at them.
मैं उन पर पागल हो जाती थी बिल्कुल. आई यूज़ टू स्क्रीम एट देम, मुझे पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते थे. अच्छा, डैड को भी हमने ये बात शेयर नहीं की थी कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे लाइक फादर का जो 2014 में करोनरी बाईपास, हार्ट बाईपास हो चुका था, उस वक्त मेरी ऑब्वियसली मेंटल एक तो ब्रेकडाउन था ही बिल्कुल, ठीक है ना. एक नम सी सिचुएशन थी, ना कुछ खाया जा रहा था, बस आई वॉज जस्ट मिसिंग माई डैड एवरी मोमेंट. आई जस्ट नीडेड हिम. ना मेरे उतना फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, मैंने खुद को टोटली आइसोलेट कर दिया था फ्रेंड से भी. जब मुझे पता चला कि मेरी एक पुरानी फ्रेंड ऐसी निकली, तो बाकी क्या होंगे फिर. There was one thing I found out. एक ही चीज़ मैं कर सकती हूँ, that is to suicide. There is no option to skip anything that that. हुआ मैंने क्या क्या medicines ली and I just tried to eat that in front of my sister. मैंने कहा तुम सबके आगे I will do this thing. फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने सेल्फ हार्म शुरू कर दिया था अकेले रात में बैठ के. आई जस्ट डू समथिंग टू माई सेल्फ एंड आई स्टिल हैव दिस दोज स्कार्स ऑन माई आर्म्स. वो आज भी मेरे पास हैं एंड व्हेनेवर आई लुक एट इट जस्ट रिमाइंड्स मी कि यार मेरे साथ ये भी हुआ था, मैंने इस फेज़ में भी आई थी. तो आई गेस अगर हम लोग एक अवेयरनेस पेरेंट्स में भी क्रिएट करें कि भाई आजकल ये सब कुछ हो रहा है, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है. क्योंकि हम लोग अक्सर ये बिलीव करते हैं ये एक्स वाई जी के साथ कुछ हो, हमारे साथ एटलीस्ट नहीं होगा, हमें यही लगता है. बट एट दी एंड यू नेवर नो, किसी का कुछ भी हो सकता है. तो एटलीस्ट हम वो अवेयरनेस अपने आप में एक चीज़ ये एक्सेप्टेंस भी डालें कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी. और उनको भी इस तरह से हम लोग अपनी तरफ एक तरह से खींच लें कि वो किसी और के पास नहीं बल्कि सिर्फ पहले हमारे पास है.